नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STS में। आज हम आपको बादाम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर एक, भीगे हुए बादाम खाने से क्या होता है? दरअसल कच्चे बादाम की तुलना में भीगे हुए बादाम को पचाना आसान है। भीगे हुए बादाम पाचन को भी बढ़ावा दे सकते हैं। यह पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करते हैं। यह एक एंजाइम के उत्पादन को भी बढ़ावा देते हैं जो पाचन को बढ़ावा देता है। भीगे हुए बादाम रक्तचाप को नियंत्रण करने में भी मदद कर सकते हैं जो हृदय स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। इसके अलावा भीगे हुए बादाम खाने से दिल हेल्दी रहता है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल में राहत मिलती है और बढ़िया कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। भीगे हुए बादाम खाने से इसे मौजूद विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है। बादाम में मौजूद यह तत्व उम्र और सूजन को रोकता है जो कि फ्री रेडिकल से होता है। सवाल नंबर दो, कड़वे बादाम खाने से क्या होता है? दरअसल अगर बादाम खाने में कड़वे लगे तो इसे ना खाएं, क्योंकि यह आपके शरीर में विषैले रसायन के लेवल को बढ़ा देगा। कड़वे बादाम में एसिड पाया जाता है, इससे शरीर में टॉक्सिन लेवल भी बढ़ जाता है जिससे नर्वस सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। सवाल नंबर तीन, बादाम खाने से दिमाग तेज क्यों हो जाता है? दरअसल कई अध्ययन से यह बात सामने आ चुकी है कि बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। विटामिन ई ने संज्ञात्मक गिरावट को रोकने और स्मृति को बढ़ावा देने के लिए दिखाया है। यह आपके मस्तिष्क के लिए अच्छा है। एक्सपर्ट के मुताबिक बादाम में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होता है जो कि आपकी दिमागी क्षमता बढ़ाता है। इससे आपकी याददाश्त और सीखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। सवाल नंबर चार, बादाम के साथ दूध पीने से क्या होता है? दरअसल दूध में बादाम मिलाकर पीने से आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। अगर आप रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में बादाम मिलाकर पीते हैं तो यह आपको बीमारी से बचाता है, आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए रात को सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में बादाम पीने की सलाह दी जाती है। सवाल नंबर पाँच, बादाम खाने से वजन तेजी से कैसे कम होता है? दरअसल डॉक्टर के अनुसार बादाम में प्रोटीन और फाइबर काफ़ी होता है जो पेट को देर तक भरा रखता है और अस्वस्थ चीज़ें खाने की आशंका कम कर देता है। इसके अलावा कई अध्ययन बताता है कि बादाम जैसे नट्स खाने से मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है और शरीर तेजी से फैट बर्न करता है। सवाल नंबर छः, बादाम छिलके के साथ खाना चाहिए या नहीं? दरअसल बादाम खाते समय इसके छिलके हटा देने चाहिए और छिलके हटाकर बादाम खाने चाहिए। दरअसल बादाम के छिलके में टैनिन होता है जो पोषक तत्वों के अवशोषण को रोकता है। बादाम को भिगोने से छिलका उतारना आसान हो जाता है जिससे मेवे सभी पोषक तत्व आसानी से छोड़ देते हैं। सवाल नंबर सात, क्या शुगर के मरीज बादाम खा सकते हैं? दरअसल डायबिटीज के मरीजों में अक्सर मैग्नीशियम की कमी देखी जाती है। मैग्नीशियम की कमी के कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है जिससे ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने लगता है। शरीर में इसकी पर्याप्त मात्रा ब्लड शुगर प्रोफाइल और मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम को बेहतर बनाती है। सवाल नंबर आठ, एक दिन में कितने बादाम खाने चाहिए? दरअसल मुट्ठी भर बादाम में लगभग 170 ग्राम फाइबर होता है। शरीर को रोजाना 25 से 40 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है, तो अगर आप रोज़ 3 से 4 बादाम खाते हैं तो यह आपके शरीर में फाइबर की ज़रूरत को पूरा करता है। सवाल नंबर नौ, भीगे हुए बादाम खाने चाहिए या फिर बिना भीगे? दरअसल बादाम सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर बादाम को रात को भिगो दें और फिर सुबह खाएं तो इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है। दरअसल बादाम को भिगोकर खाया जाए तो इसमें पोषक तत्व की मात्रा और विटामिन काफ़ी बढ़ जाते हैं। कई रिसर्च में सामने आया है कि सीधे बादाम खाने से भिगोकर बादाम खाना सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। सवाल नंबर 10, गर्मी के मौसम में बादाम खाने से क्या होता है? दरअसल ज़्यादातर लोगों का मानना है कि चिलचिलाती गर्मी में कच्चे बादाम नहीं खाने चाहिए। कच्चे बादाम शरीर में गर्मी पैदा करते हैं जिनसे फोड़े, बवासीर और अन्य समस्या हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार बादाम को भिगोकर सेवन करना चाहिए क्योंकि पोषक तत्व शरीर द्वारा आसानी से अवशोषित हो जाते हैं। सवाल नंबर 11, किस तरह के लोगों को बादाम नहीं खाना चाहिए? दरअसल जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है उन्हें बादाम खाने से बचना चाहिए। किडनी में पथरी या गोल ब्लैडर में दिक्कत हो तो आपको बादाम बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। इसमें मौजूद ऑक्सलेट नुकसान करता है। जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्या हो, रिटेनिंग बाउल सिस्टम या फिर जिनका डाइजेशन बेहद ख़राब हो, उन्हें बिल्कुल भी बादाम नहीं खाने चाहिए। यदि आप एंटीबायोटिक दवा ले रहे हैं तो आपको बादाम खाने से परहेज करना चाहिए। हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम में भी बादाम नहीं खाने चाहिए। जिनका पेट ज़्यादा है वह भी बादाम से परहेज करें। सवाल नंबर 12, बादाम खाने का सही तरीका क्या होता है?
दरअसल बादाम को गुनगुने पानी में भिगोकर रात भर के लिए रख दें और सुबह छील कर खा लें। विशेषज्ञों की माने तो बादाम को खाने का सही तरीका रात में भिगोकर सुबह खाना है। ऐसा करने से सुबह यह नरम के साथ साथ चबाने में भी आसान हो जाते हैं। इसके अलावा आपके शरीर को भी बादाम पचाने में आसानी होती है। सवाल नंबर 13, ज़्यादा बादाम खाने से क्या नुकसान होता है? दरअसल बादाम की तासीर गर्म होती हैं। ज़्यादा मात्रा में खाने से पेट की गर्मी यह बढ़ा सकते हैं। बादाम में ऑक्सलेट होता है। ज़्यादा मात्रा में खाने से किडनी की समस्या बढ़ सकती है। ज़्यादा बादाम खाने से शरीर की इम्यूनिटी कम होती है, जिससे एलर्जी और अन्य स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। 100 ग्राम बादाम में 12 ग्राम फाइबर पाया जाता है। यदि ज़्यादा बादाम खाएंगे तो डायरिया भी हो सकता है।